हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सैमसंग फ़ोन की बूट एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। तो बूट एनिमेशन होती क्या है ये आप देख सकते हैं, सैमसंग की जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो उसे हम चेंज करेंगे। आपको मैं बता दूं, मेरी ओरिजिनल जो बूट एनिमेशन है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 की, तो आप देख सकते हैं ये जो बूट एनिमेशन है इसे हम चेंज करेंगे। ये ऑफिशियल है सैमसंग की, तो इसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए। रूट करने के लिए बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पर जा सकते हैं और रूट कर सकते हैं। रूट करने के बाद आपको सिंपली गूगल में यहां पर सर्च करना है, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहां पर आपको लिखना है बूट एनिमेशन फॉर सैमसंग, यहां पर मैं लिख देता हूं बूट एनिमेशन फॉर सैमसंग। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। ये सिर्फ सैमसंग फ़ोन के लिए है, बाकी फ़ोन्स के लिए अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ये सिर्फ सैमसंग फ़ोन के लिए। तो सबसे पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, bootanimation.com की जो लिंक है उस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर एनिमेशन अवेलेबल हैं, सुपरमैन, बैटमैन। तो मुझे यहाँ पर अवेंजर्स की बूट एनिमेशन चाहिए, तो मैं अवेंजर्स के लिए सेकेंड पेज पर जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए साइमन जिन मोड, फिर अवेंजर्स के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन, ओके तो आप देख सकते हैं अवेंजर्स मिल चुका है। तो उसमें क्लिक करता हूँ इस पर और ये थोड़ा लोड होगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आप अवेंजर्स के पेज पर आ चुके हैं, ये पेज लोड हो रहा है, तो इस पेज को लोड होने देते हैं। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इमेजेस पे आपको दिखाई देंगे एनिमेशन, तो इस तरह से जो ये है ये बूट एनिमेशन होगा। तो डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड बूट एनिमेशन .zip पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको देखिए डाउनलोड हियर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 4-5 सेकंड आपको रुकना है। उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको देखिए डाउनलोड के लिए आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद ये zip फॉर्मेट में होगी, तो आप इसे जो है एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अवेंजर फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें आपको 3 फाइल्स मिल जाएंगी। तो मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी की है, तो आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो चलिए गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है रूट ब्राउज़र। इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सिंपली इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये रूट परमिशन एक्सेस करेगा आपके फ़ोन की, रूट होगा तो ये वर्क करेगा। इसके बाद आपको सिंपली जाना है यहाँ पर सिस्टम में जाना है। इसके बाद आपको जाना है मीडिया में। आपको मीडिया में जाने के बाद आपको 3 चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल बूट एनिमेशन है उसको आपको बैकअप बना लेना है। अगर कोई भी इन केस कुछ हो जाता है आपके फ़ोन को तो आप बैकअप बना लीजिए। तो आपको सैमसंग क्यूएमजी, बूट सैमसंग लूप क्यूएमजी और शटडाउन क्यूएमजी, आप ये 3 फाइल्स को ध्यान से देख लीजिए। इन्हें ही आपको कॉपी कर लेना है मल्टी सिलेक्टर ऑन करके। इसके बाद आपको ये फाइल्स आप ध्यान से देख लीजिए। इसके सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं, इसे नीचे कॉपी पर क्लिक करते हैं। तो कॉपी करने के बाद हम जाते हैं होम पर यहाँ से और आपको जाना है एसडी कार्ड में, आपके स्टोरेज फोल्डर में जाना है आपको। और यहाँ पर मैं एसडी कार्ड में चला जाता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ बूट नाम का। तो ये हमारा ओरिजिनल बैकअप है इस बूट एनिमेशन का, हम सैमसंग की ओरिजिनल बूट एनिमेशन को बैकअप कर रहे हैं। तो ओके कर देते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर बूट फोल्डर में, यहाँ पर पेस्ट करें। देखिए 3 फाइल्स आ चुकी है, यही 3 फाइल्स आपको ध्यान रखनी है, बूट सैमसंग क्यूएमजी, बूट लूप सैमसंग क्यूएमजी और शटडाउन क्यूएमजी। तो इतना करने के बाद अब हमें जाना है होम पर। चलिए इस एप्लीकेशन के होम पर चले जाते हैं हम। तो इसके बाद आपको फिर से जाना है सिस्टम में, मीडिया में, और इसके बाद यहाँ पर वही 3 फाइल्स को वापस हम यहाँ पर मल्टी सिलेक्टर ऑन करेंगे और वही 3 फाइल्स को हम फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं सैमसंग बूट सैमसंग क्यूएमजी, बूट सैमसंग लूप क्यूएमजी और शटडाउन क्यूएमजी। तो ये तीनों को आप मार्क कर लीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो हम ओरिजिनल बूट एनिमेशन को अब डिलीट कर रहे हैं, इसका बैकअप हमने ऑलरेडी बना लिया है, देखिए तुरंत डिलीट हो चुके हैं। डिलीट होने के बाद आपको वापस होम पर जाना है और अब आपने जो फाइल डाउनलोड की है अवेंजर्स की, जैसे मैंने डाउनलोड की है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैंने यूसी डाउनलोड से डाउनलोड किया, तो यूसी डाउनलोड्स में होगी वो फाइल, तो उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए अवेंजर्स का फोल्डर बन चुका है यहाँ पर और यहाँ पर वो 3 फाइल्स जो हैं वो आपको मिल जाती है। तो मल्टी सिलेक्टर ऑन कर लीजिए, इन 3 फाइल्स को ले लीजिए और कॉपी कर लीजिए और वापस जाइए होम पर। और आपको जाना है फिर से सिस्टम में और जाना है मीडिया में
और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो ये हो गई अवेंजर्स की फाइल्स यहाँ पर पेस्ट। तो ये थोड़ा वक्त ले सकता है, तो इसे अपना लेने दीजिए वक्त बस। तो ये पेस्ट होने के बाद दोस्तों आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमें परमिशंस चेंज करनी है इन फाइल्स की। तो चलिए पहले फाइल्स की हम परमिशन चेंज कर लेते हैं। बूट सैमसंग QMG का प्रेस करके रखना है, यहाँ पर नीचे परमिशंस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रीड राइट, यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ रीड राइट रीड रीड पे आपको क्लिक करके ओके कर देना है। ध्यान से देख लीजिए, यही आपको करना है। तो यही चीज़ आपको और जो दो फाइलें उस पर भी कर लेना है, सेम चीज़ परमिशंस पे जाइए, यहाँ पर परमिशंस पे क्लिक कीजिए और सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है तीनों फाइल्स के साथ। करने के बाद ओके कर दीजिए और थर्ड फाइल जो है वो शटडाउन वाली, तो उसे भी हम कर लेते हैं शटडाउन QMG। तो यहाँ पर देखिए ये वाली, और इसे परमिशंस पे क्लिक किया और वापस इन्हें भी रीड राइट रीड रीड पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हो गया ओके। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही आपको अब अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से रिस्टार्ट कर लेते हैं। आपका काम जो है वो हो चुका है, तो अब हम फ़ोन को रिस्टार्ट कर दें, आपको एनिमेशन चेंज दिखाई देगी। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रिस्टार्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमेशन चेंज हो गई है शटडाउन वाली। ये है, ये जो है वो शटडाउन एनिमेशन है। अब जब फ़ोन ऑन होता है तब भी आप देख सकते हैं कि हमारी सैमसंग की जो ओरिजिनल एनिमेशन थी वो हट चुकी है और यहाँ पर अवेंजर्स की एनिमेशन आ चुकी है, आप ये पर देख सकते हैं। तो ये कूल है, आप यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मन करे वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। और सैमसंग की ओरिजिनल बूट एनिमेशन को आप बैकअप बना के रखिए हमेशा, क्योंकि वो हमेशा आपके काम आ सकती है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है महेश टेक्निकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और रूट रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, yeah.